सब्सक्राइब कीजिए सी किस नोटर सर्विस को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सबसे पहले पहुंचे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास देखने के लिए। तो दोस्तों ये है मेरा स्कूटी TVS टैब प्लस, ठीक है। तो हम इसका बताएंगे, गाड़ी तो फुल पिकअप ले रहा है, ठीक है, गाड़ी का फुल पिकअप बिल्कुल ले रहा है, मगर चक्का जो है ना बिल्कुल नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे, पहले दिखा देते हैं क्या दिक्कत हो रहा है इसका, ठीक है। फिर गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चक्का बिल्कुल नहीं घूम रहा, एक्सीलेटर तो पूरा ले रहा है, जो है ना एक्सीलेटर जो है देखिए बिल्कुल ले रहा है, एक्सीलेटर जो है ना पूरा एक्सीलेटर जो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो चक्का बिल्कुल नहीं घूम रहा है इसका, ठीक है, एक्सीलेटर तो पूरा ले रहा है पर चक्का नहीं घूम रहा। तो इसका हम देखेंगे, ये क्लच खोल के, ये साइड खोल के हम देखेंगे क्या दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। दो दिक्कत हो सकता है, एक तो बेल्ट टूट गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक तो बेल्ट टूट गया होगा, या तो इसका क्लच शू जो होता है ना, क्लच शू वो खराब हो गया होगा। क्लच शू तो खराब नहीं होगा ज़्यादातर, तो बेल्ट ही टूट जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसको खोलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फटाफट हम खोल लेते हैं 10 KT से, ठीक है फ्रेंड्स, 10 KT की मदद से पहले हम फटाफट इसको खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका क्लच जो है ना ये खोल दिया, नट पूरा ढीला कर दिया, ठीक है। इसका कीक देख सकते हो, कीक भी पूरा ठंड हुआ है, ठीक है, मतलब गाड़ी तो बिल्कुल बेकार ही है, ठीक है। पहले इसको हम खोल लेते, सारा नट ढीला कर दिया, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे खोलेंगे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। देख लो बेल्ट टूट गया इसका, ठीक है फ्रेंड्स, इसका बेल्ट टूटा हुआ। अरे बाप रे, क्या हालत हुआ है गाड़ी का, ओहो, ये देख लो फ्रेंड्स क्या हालत हुआ गाड़ी का, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, देख लो गाड़ी का हालत क्या हुआ, बिल्कुल पूरा टूटा हुआ सब, बेल्ट टूट गया इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अंदर ये जो है ना, यहाँ पे क्लच होता है, ठीक है, इसके अंदर क्लच होता है, क्लच अगर ख़राब भी हो गया ना, डबल स्टैंड करके जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे पहिया घूमेगा फिर वे, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत पहिया घूमेगा, ठीक है, अगर बेल्ट टूट गया तो बिल्कुल नहीं घूमेगा, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के बाद। तो अब इसका बेल्ट हम चेंज करेंगे, पहले खोल लेते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स इसको हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, वैसे तो होगा कुछ नहीं, स्टार्ट करके देखते हैं वैसे ही। ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, इसको घुमा नहीं पा रहा, ठीक है, ये बेल्ट टूट गया इसलिए इसको घुमा नहीं पा रहा, ठीक है, जब मतलब ये इसका चेंज नहीं होता, ठीक है सर, जब ये घूमता है ना ऐसे इसको बेल्ट से घुमाता है, ठीक है सर, ये जैसे कि पूरा टूट गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इंजन का भी बहुत मतलब काम है, इंजन का बहुत काम है, ठीक है, अंदर से बहुत पिस्टन का आवाज़ आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अंदर इंजन ऑयल भी नहीं था, डाल दिया तो, ठीक है। तो पहले हम इसको बेल्ट को निकाल लेते हैं, पहले बेल्ट तो निकल आ गया बाहर, ठीक है फ्रेंड्स, बेल्ट हम नया डालेंगे, इसको बाद में खोलेंगे, पहले नया बेल्ट लाते, नया बेल्ट ला के फिर इसको खोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कीक भी देख सकते हो, कीक का जो स्प्रिंग होता है ना, कीक का स्प्रिंग बिल्कुल ख़राब है, कीक का स्प्रिंग बिल्कुल ख़राब है फ्रेंड्स, ठीक है। गाड़ी तो वैसे ही पूरा है नहीं कुछ भी इसके अंदर, वैसे ही बहुत पुराना गाड़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए पहले हम बेल्ट लाते। तो फ्रेंड्स जो आवाज़ आ रहा है ना इंजन का, बहुत ज़्यादा खड़ खड़ आवाज़ आ रहा है, इसका आवाज़ है, ठीक है, ये देख पा रहे हो इसका अंदर बूस्ट होता है, ठीक है, ये जो अंदर से मैं फीलिंग कर सकता हूँ, अब लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक से खोलेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है ना इसके अंदर बूस्ट होता है, ये बहुत हिल रहा, देखो खट खट आवाज़ आ रहा है, ये देखो अंदर बाहर हो रहा है, देख पा रहे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर बूस्ट होता है, बूस्ट ख़राब हो गया, इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देख पा रहे हो अंदर बाहर हो रहा है, जो पहले खोल लेते फिर दिखा देते, इसके अंदर जो बूस्ट है वो ख़राब है।
तो मतलब इसने इसको मैं ढीला कर दिया, इसका उल्टा छुरी होता है ठीक है, इसका उल्टा छुरी होता है मतलब इस साइड टाइट होता है इस साइड लूज होगा ठीक है ठीक है, उल्टा छुरी होता है। तो इसको खोलने में फ्रेंड्स थोड़ा सा दिक्कत हुआ मुझे, क्योंकि उसके पास इसका मेरा बस कूलर नहीं था, मैं इससे खोला था मतलब यहाँ पे लगा कर ठीक है, इससे खोला था फ्रेंड्स, टूल्स नहीं है मेरे पास, वॉशर होता है कटा कटा सा देख पा रहे हो, अब इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स ठीक है। इसका जो बूस्ट होता है ना वो भी ख़राब है बिल्कुल, दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ओह देख लो कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ख़राब हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया फ्रेंड्स, इसका बूस्ट देख पा रहे हो फ्रेंड्स ठीक है, मैं बढ़िया से दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो फ्रेंड्स इसका देख लो जो बूस्ट होता है ना इसका ना। तो दोस्तों इसका बेल्ट लेकर आ गए हम, ओरिजिनल टीवीएस का बेल्ट लाए हैं देख पा रहे हो जैसे कि ठीक है, ओरिजिनल बेल्ट है ठीक है ठीक है। तो हम बेल्ट फिटिंग करेंगे, उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या ख़राबी है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये गाड़ी बहुत पुराना है ठीक है, कस्टमर खर्चा नहीं करना चाहता ज़्यादा ठीक है। तो जैसे कि ये जो क्लच शू था इसको क्लच शू कहते हैं ठीक है, ये भी ख़राब हुआ है बिल्कुल, जैसे कि मैं साफ़ करते करते देखा कि अंदर मतलब यहाँ पे टूटा फूटा पड़ा हुआ था ठीक है, ये जैसे कि टूटा पड़ा हुआ था ठीक है, यहाँ पे घुस के पड़ा हुआ था, तो हम सोचे कि पहले साफ कर देते हैं, फिर देखा ये टूटा निकला तो इसको भी खोल के देख लिया कि ये भी ख़राब निकला ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी खर्चा करने वाला नहीं है ठीक है, जैसे भी हो बस गाड़ी स्टार्ट होकर चलना चाहिए ठीक है, ये चेंज कर देते तो बढ़िया होता ठीक है। और ये इसका बात जो कर रहे थे तो दोस्तों इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे ठीक है, इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये होगा क्या है आवाज़ आएगा बहुत ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे गाड़ी को खड़का खड़का बहुत आवाज़ आएगा थोड़ा बहुत ठीक है। तो पहले हम फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करके फिर लगाते हैं ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं, देखिए कैसे फिट होता है, ये होता है बूस ठीक है, यहाँ पर बैठेगा बिठा लेते हैं हम, 6 बूस होता है ठीक है फ्रेंड्स, पहले बिठा लेते हैं, 6 बूस हो गया, 2 2 4 6 ठीक है, 6 बूस हो गया, अब इसको रखते हैं हम साइड में, अब ये जो एक काला काला सा होता है इसको हम लगाएंगे यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, पहले लगा लेते हैं बस लगा लिया, अब इसके बाद ऐसे बिठा देंगे हम, देख रहे हो बस ऐसे बिठा देंगे ठीक है, बस ऐसे बिठा देंगे बैठ गया ठीक है, ये 3 होता है लॉक बस ऐसे, ये बाहर की तरफ आता है ऐसे 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 होता है ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे होता है ठीक है। ये चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं, इस पेनियम के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है फ्रेंड्स ये यहाँ पे लगेगा ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, इसका काम है सेल्फ से स्टार्ट होना, सेल्फ लगेगा इसको घुमाएगा सेल्फ ठीक है, सेल्फ इसको घुमाएगा, यहाँ पे खाँचा बना हुआ ये मैग्नेट को घुमाएगा ठीक है, ये मैग्नेट को घुमाएगा मतलब कैरिंग जो है कैरिंग घुमाएगा ठीक है। पहले इसको हम लगा लेते हैं बढ़िया से, बस ऐसे लग गया देख पा रहे हो ठीक है, ऐसे घूम रहा है, और जो इसका सेल्फ को जो मतलब होता है ना पेनियम वो बाहर की तरफ आता है ठीक है, इसको घुमाता है बाहर की तरफ, जब स्टार्ट करेंगे ना सेल्फ लगाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा तो इसको घुमाएगा, तो फिलहाल नहीं आ रहा, जब सेल्फ लगाएंगे तभी आएगा ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम इसको अब फिटिंग कर लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स, ये बूस्ट होता है, एक ये बूस्ट होता है ठीक है, बूस्ट को हम इसमें लगा देंगे पहले देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसको हम लगा देंगे बूस्ट को ठीक है, लगाकर फिर हम ये लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हमने बिठा दिया ठीक है, अब ये एक वॉशर होता है ठीक है, काटा काटा सा वॉशर होता है, इसमें हम लगा देंगे ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ये लगा देंगे। और एक बात, ये जो है ये एक बोल्ट है ठीक है, ये नट है, ये इस पर किक लगता है ठीक है, ये जो दिख रहे हो खाँचा बना हुआ ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किक बैठता है ठीक है, ये जो खाँचा बना है इसमें किक बैठता है ठीक है, इसको किक घुमाता है ठीक है, किक का काम करता है, ये उल्टा चूरी होता है ठीक है, खुलने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्योंकि इसका कूलर नहीं है मेरे पास
ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको बिठा दिया। तो फ्रेंड्स इसका काम है, जब ये घूमेगा ना, मतलब ऐसे बस दिखाता हूँ, जब ऐसे घूमेगा, ये घुमाएगा बेल्ट से, इसको घुमाएगा जब पिकअप लेकर, ये यहाँ पे फॉल्स होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स होता है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। देखो चक्के नहीं घूम रहा, ये घूम रहा है, ठीक है, कैच बियरिंग लगा होता है, ठीक है, कैच बियरिंग लगा होता है, ठीक है, ये यहाँ पे फॉल्स घूमेगा, और जब बेल्ट इसको घुमाएगा तो ये जो है ना शू, ये जो क्लच शू है, इसको क्लच शू कहते हैं, ये हाई हो जाएगा, मतलब ये बाहर की तरफ निकल आएगा, ठीक है, जब तेज़ी से घूमेगा ये बाहर की तरफ निकल आएगा, निकल कर इसको घुमाएगा, ठीक है, इसमें चिपक कर इसको घुमाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ लिया बढ़िया से, इसको घुमाएगा, ठीक है, जब ये घूमेगा, ये घूमेगा जब ये हाई हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स घूमता है, ठीक है, और इस ये जब मतलब ये हाई हो जाता है, ठीक है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये हाई हो जाता है, ठीक है, यहाँ से हाई होकर ये चिपक कर ये टाइट होता है, ये टाइट होता है इस शेप में, ठीक है, इसमें टाइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे टाइट होता है, ठीक है, जब हाई होकर इसको घुमाएगा तब थ्री चक्के घूमेगा, ठीक है, चक्का घूमेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब ब्रेक लगेगा, जब स्लो होगा, इसको स्लो कर देगा चक्के को, तो मतलब ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें से छोड़ देगा, ठीक है, ये छोड़ देगा, मतलब फिर ऐसे ही बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले फिटिंग कर लेते हैं, ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट पहले हम लगा लेते हैं, ऐसे कैसे स्प्रिंग होता है अंदर से बैठ गया, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ से घुसाएंगे, देख पा रहे हो, इसे घुसा कर हम इसमें बिठा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बस अरे बैठ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये बैठ गया, ये जो बेल्ट है इतना ढीला है, ठीक है, जब गाड़ी घूम मतलब चलेगा ना, गाड़ी जब चलेगा ये टाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा जब घूमेगा, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ढीला है, ठीक है, जब ये चलेगा टाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये लग गया हमारा, तो ये इसका क्लच शू भी ख़राब है, पहले हम देख लेंगे कैसे गाड़ी भागता है, ठीक है, पहले देख लेंगे भागता है कि नहीं भागता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको टाइट कर लेंगे हम, इसको भी लगा दिया, ठीक है, इसको टाइट कर लेते हैं और इसको भी लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे कि लगा दिया, चक्का घूम रहा है, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम टाइट कर लेते हैं इसको, ये जो है वॉशर होता है, एक बोल्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधा चूड़ी होता है, इससे हम टाइट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए थोड़ा सा साइड में करते हैं, हम पहले टाइट कर लेते हैं हम बढ़िया से इसको, ठीक है फ्रेंड्स, अंदर में लगा कर टाइट करेंगे, मतलब ठीक है, जैसे आसानी होता है वैसे टाइट कर लो, मैं अकेला हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, पकड़ने वाला मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, तो हम इसको अकेला टाइट करेंगे, पहले टाइट कर लेते हैं हम, देखो टाइट करने का तरीका ये है, ठीक है, प्यार से ऐसे पकड़ दो, ठीक है, यहाँ पे लगा दो, ठीक है, बस टाइट हो गया फ्रेंड्स, भाई ऐसे टाइट करना चाहिए, और साफ मैं थोड़ा बात किया, क्योंकि ये बस हो गया गाड़ी का, ज़्यादा खर्चा करने वाला नहीं है, और इधर एक बात है, इधर ऑयल नहीं होता, ठीक है, इसलिए ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो सके तो साफ़ कर लो, जितना साफ़ होगा इतना अच्छा है, ठीक है, इधर कोई ऑयल नहीं होता, ठीक है, ऑयल ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, चलो। तो फ्रेंड्स ये टाइट हो गया, ठीक है, हम अब इसको टाइट करेंगे, इसको कैसे टाइट करेंगे, एक ये है मेरे पास सब जैसा, ठीक है, टुकड़ा किसी चीज़ का, मतलब लेकर यहाँ पर लॉक करना होगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, कहीं पे भी लॉक कर दो, ठीक है फ्रेंड्स, मैं लॉक कर देता हूँ पहले, देखो इस तरह से लॉक करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक दांत से लेकर ये जो दांत है यहाँ से लेकर यहाँ पर बढ़िया से लॉक करना, ठीक है फ्रेंड्स, देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ से लेकर
इस जगह पे कहीं पे बढ़िया से लॉक करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले लॉक करके टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ऐसे लॉक करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि देख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लॉक कर दो और फिर नहीं घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा चूड़ी है इसलिए ऊपर को लॉक कर रहा हूँ, जैसे कि ऊपर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे लॉक कर दो। ये 30 का मतलब बोल्ट होता है नट, ठीक है फ्रेंड्स, 30 का नट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइट कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा साइड कर लेते हैं बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम स्टार्ट करके देख लेते हैं, बढ़िया से सब कुछ टाइट हो गया। ठीक है, कैसे घूम रहा है, चक्का भी घूम रहा है। ठीक है, और एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से मतलब छोड़ दे रहा है, ठीक है, जो जैसे बताया था। ठीक है, ये और एक बार दे रहा हूँ, बंद हो गया। देखिए फिर रुक गया, और ये भी रुक गया। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से छोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको घूमना है, ठीक है, जैसे कि। तो फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ, ये वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तुम लोगों को। ठीक है, और बेल्ट का जो रेट है वो बता देता हूँ कितना रेट है इसका। टीवीएस का ओरिजिनल है, 278 रुपये रेट है इसका। फ्रेंड्स देख रहे हो, ये देख लो बढ़िया से, 278 रुपये इसका रेट है, ओरिजिनल बेल्ट है। और देख लो एक बार बेल्ट कैसे टाइट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ढीला था बेल्ट, अभी टाइट हो गया। ठीक है, बेल्ट टाइट हो गया। ठीक है, और जो है कीक स्प्रिंग इसका नहीं मिला। ठीक है, तो हम इसको इसी से फिटिंग करेंगे, इसी से कम चलाएंगे इसका सेल्फ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऐसे ही चलेगा कम। ठीक है, इसका कीक स्प्रिंग नहीं मिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बहुत पुराना गाड़ी है, सामान जल्दी से नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चला के दिखेंगे कैसा, मतलब कैसे दौड़ता है गाड़ी, कैसे भागता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्लच वो ख़राब था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले चला के देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कैसे वीडियो चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स।